वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हर्ट बादलों प्रति। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ, मैं कोई आज नॉलेज, हालांकि इसमें नॉलेज आपको नॉलेज भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैंने एक चीज़ नोट करी है, जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर जितने भी एथलीट होते हैं, हालांकि देखिए कोई भी बड़ा जो सेलिब्रिटी होता है या कोई एक लेवल पर पहुँच जाता है या फिर कोई जैसा किसी का नाम होने लगता है तो उसको हमेशा जो है हेटर्स उसके हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, उसके कोई भी अपने भी हेटर्स बन जाते हैं, बाहर के भी हेटर्स हो जाते हैं। वो लोग, ये हेटर्स वो लोग होते हैं जो जिनको जो ज़िंदगी में ना कुछ कर पाते हैं, वो सिर्फ उनका काम होता है दूसरे को उंगली करना, या फिर उनका काम होता है कि उसको किस तरीके से उसके डायरेक्शन को चेंज करें या फिर उनके माइंड को डाइवर्ट करें, या फिर ऐसी कमेंट करते हैं उल्टे सुलटे। ऐसे ही कमेंट फिटनेस इंडस्ट्री में भी जितने भी बॉडी बिल्डर हैं अच्छे लेवल के या फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि उसमें लोगों का काम होता है गाली दे देता या फिर कुछ भी बोल देना। तो मैं ऐसी एक बात कह रहा हूँ कि मेरे को कई ऐसे मैसेज आते हैं या फिर जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं उनके अक्सर मैंने एक चीज़ नोट किया हुआ, उनको मैसेज आते हैं स्टेरॉइड के गुरु जी या फिर स्टेरॉइड की दुकान या स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाई है या पाउडर खा के बॉडी बनाई है, ऐसे कई चीज़ आते हैं। तो गाइस, मैं इनकी कुछ आज क्लास लेने वाला हूं और कुछ चीज़ें बताने वाला हूं कि ऐसा ये क्यों बोलते हैं और क्या होता है एक्चुअल में, है क्या रियलिटी, क्या है बॉडी बिल्डिंग की, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपने इसको सब्सक्राइब करना है, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। देखिए गाइस, सबसे पहले तो एयरफोन लगा लेना, क्योंकि हो सकता है मेरे मुँह से गाली भी निकल जाए, क्योंकि मैं बहुत, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि देखिए ये जो हेटर्स होते हैं इनकी औकात नहीं होती है कि सामने आके कभी भी कुछ बोल पाए। कोई भी बॉडी बिल्डर को सामने आके अगर ये बोलेगा तो उसका एक कान पे ऐसा पड़ेगा कि वो साला सात रंग की टट्टी फेरेगा वहाँ, और सात रंग की टट्टी फेरेगा, टट्टी फेरने के बाद उसको समझ में नहीं आएगा कि है मैं हूँ कहाँ। ये होता है इनकी हालत, ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये होते हैं साले मिक्स ब्रीड, इनको बोलते हैं मिक्स ब्रीड। इनको पता नहीं होता इनके माँ का नाम पता नहीं होता, इनके बाप का नाम पता नहीं होता। मिक्स ब्रीड इन द सेंस, जैसे कुत्ते आपने देखे हुए, एक लैबरा है और एक जो है आपका क्या बोलते हैं पिटबुल हो गया, दोनों ने जो है आपस में सेक्स करा, सेक्स करने के बाद पैदाइश क्या हो गई, कुछ और ही निकल गया। तो ये उनमें से होते हैं, ये जात होती है इनकी, ये उनको इनको बोलते हैं डॉगी, कुत्ते। साहिल भाई बोलते हैं जॉबलेस, ये हैं जॉबलेस लोग, जिनका कि काम होता है दूसरों को डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रैक्ट करना, माइंड से डिस्ट्रैक्ट करना। ये ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, और हर जगह, हर ऑफिस में, हर जगह कोई ना कोई एक दो बंदे आपको ऐसे मिल जाएंगे। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ या किसी भी जिम में चले जाओ, आपको एक ना एक हरिराम नाई जरूर मिलेगा जो शोले पिक्चर में था, जिसका काम होता है चुगली करना, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करना, अगर कोई आगे तरक्की कर रहा है उसकी टांग खींचना, ये काम होता है इनका। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हेटर्स जो आप ऐसे कमेंट करते हैं, अबे भैनचोदो मुझे आप एक बात बताओ कि तुम्हें पता है स्टेरॉइड, तुम बॉडी बिल्डर्स को, फिटनेस मॉडल को, किसी को भी ऐसे लिख देते हो स्टेरॉइड, स्टेरॉइड लगा के बॉडी बनाइए। अबे बहन के लोड़े, मुझे अब एक बात बता, तुझे पता है भैनचोद स्टेरॉइड होता क्या है, स्टेरॉइड क्या चीज़ है और कैसे बनती है स्टेरॉइड? स्टेरॉइड लगाने के लिए ना गाढ़ में दम चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसको झेलने के लिए गाढ़ में दम चाहिए। तुम्हारी ना तो पेलों में दम है ना तुम्हारी पिछवाड़े में दम है कि तुम उसको झेल सको। एक बार लगा के देखो जरा मेरे साथ, फिर पता लगेगा कि साला जब तीन दिन तक सुझा के रखेगा ना तुम्हारा पिछवाड़ा, तुम साला पलट नहीं पाओगे, तुम्हें अपनी अम्मा याद आ जाएगी। तो भैया, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाए या कुछ नहीं कर सकते हो, नपुंसक हो, किसी काम के नहीं हो, तो कम से कम दूसरे को तो डिस्ट्रैक्ट मत करो। क्या मज़ा आता है मेरे को समझ में नहीं आता, भैनचोद मज़ा आता क्या है दूसरों को, मतलब क्या क्या करना चाहते हो आप? आपने देखा कि बादल भाई का नाम हो गया है, बादल भाई का नाम अच्छा है, इसने कमा लिया है, तो थोड़ा एक कमेंट करके आप पब्लिसिटी इकट्ठी करने चाहते हो क्या, या आप कमेंट करके आप चाहते हो कि ये बंदा मेरे को मैसेज का रिप्लाई देगा? मैं भोसड़ी वालों, मैं घंटा रिप्लाई नहीं देता तुम्हें मैं क्या भैनचोद, कोई भी यूट्यूबर तुम्हें रिप्लाई नहीं देता। अब रिप्लाई देने का मतलब ये नहीं है कि तुम भैनचोद बहुत बड़े टॉप हो, जो तुमने गाली दे दी, तुमने भैनचोद इतना बड़ा काम कर दिया, तुमने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, तुमने गाली दे दी भैंचो इंडियन आइडल को, तुमने गाली दे दी और घर में जाके तुम्हारी माँ तुमको शाबाशी देगी, वाह बेटा वाह तूने आज कितना बढ़िया काम किया है, भैंचो इंडियन आइडल को तूने गाली दी है, या साहिल खान को तूने गाली दी है, या फलाने यूट्यूबर को तूने गाली दी है। अबे भोसड़ी के तेरे जैसे चूतिए भैंचो तुम्हारे आगे पीछे पहले चाटते हैं, तुम्हारे जैसे चूतियों को हम केयर भी नहीं करते। तुम किस भैंचो, तुम्हें जानता कौन है भोसड़ी वालों,
तुम्हारे व्यूज देखेंगे तो व्यूज ना तुम्हारे व्यूज होते हैं ना तुम्हारे वेंचर फॉलोअर्स होते हैं, नकली आईडी बना के तुम वेंचर लड़कियों की आईडी बना के तुम चूतिया बढ़ाते लोगों को। तो भैया ऐसा है, जॉबलेस काम करो, नाम करो व लाइफ। तो ये डायलॉग है भाई का। तो काम करो, नाम करो, ऐसे काम करोगे तो किसी दिन किसी ने पहचान लिया तो इतना मारेगा, इतना मारेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें जो पैदा होंगी वो गंजी पैदा होंगी और गली गली कंघी कपड़ा भीख मांगेगी। इस बात का ध्यान रख लेना। तो अपनी पुश्तों के बारे में सोच लेना, जो तुम्हारी पुश्तें होंगी ना आने वाले, तुम्हारे नाती पोते, तुम्हारे चचे जो भी होंगे तुम्हारे, उनका ध्यान रख लेना कि तुम्हारी लात ऐसी जगह ना पड़े कि तुम किसी काम के न रहो। ऐसा ना हो फिर कहीं जाके तुमने कहा हाय हाय मुन्ना हुए दसाने से कम न लूंगी, वहाँ जाके तुम्हें काम न करना पड़ जाए। सालो किसी दिन सॉलिड जगह पर पड़ गई ना तुम्हारे लात तो तुम किसी काम के न रहोगे। तो हेटर्स नमस्ते, थैंक यू। जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम मत करना, और ख़ास तौर से मेरे जैसे बंदे को सोशल मीडिया पे भले ही कुछ भी बोल देना, लेकिन आपको मैं एक बात, सामने आके मत बोल देना कभी गलती से भी। किसी दिन दिमाग फिर गया या मैं किसी दिन ट्रेन ट्रोल लगा लिया, ट्रेन लगा के मेरा दिमाग वैसे ही गर्म रहता है, मैं आपको बता दूँ, जो बंदे जानते हैं वो पता है उनको कि ट्रेन एक ऐसा सॉल्ट है उसको लगा के दिमाग वैसे ही गर्म रहता है। किस दिन ट्रेन लगा के तुम सामने आ गए मेरे, तो सालो ऐसा सुतूंगा ना तुम्हारी अम्मा ना तुम्हारे अब्बा कोई नहीं पहचान पाएंगे तुम्हारे। तुम वहीं से। अच्छा एक चीज़ और है, तुम दूसरों की नकली आईडी क्यों बनाते हो, लड़कियों की आईडी क्यों बनाते हो? क्या तुम्हें शर्म आती है अपनी अपनी मर्दानगी दिखाने में? तुम सालो मर्द हो ही कहाँ, तुम मर्द हो ही नहीं। तो भाई ऐसे काम मत करो, इसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, अपना काम कर लो। दूसरों को कोई आगे बढ़ रहा तो उसकी टांग खींचने के बजाय सीखो उससे। मैं इतनी सारी वीडियो बनाता हूँ, इतनी सारी चीज़ें बनाता हूँ, अगर गलती से कोई एक वर्ड निकल गया, गलती से निकल जाता है मुँह से, हो जाता है, तो तुम बेंचो तो इतनी सारी चीज़ें देख छोड़ कर तुम्हें वही वर्ड मिला जिसको कि तुम पकड़ के बैठो कि नहीं मैं पकड़ के बैठूंगा इसको, इसको ही लाता रहूँगा जब तक जो है साला मेरे को रिप्लाई नहीं देगा। मैं भोसड़ी वालों भाई माफ़ करना मुझे, मैं गाली गलौज से बात कर रहा हूँ, बट मैं एक बात कह रही, ये मेरी सारी उनके लिए वीडियो है, उन लोगों के लिए वीडियो है जो हेटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स को गाली देते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स को गाली देते हैं, जो उनकी क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ ये सब। ये मेरी आम पब्लिक के लिए नहीं है भाइयों। आपको ये मत सोच लेना कई लोग अपने ऊपर ले लेते हैं सारी चीज़ें, नहीं भाई, आप ये सोचना कि कहीं आप ये काम तो नहीं करते। अगर आप ये काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो उसके लिए जो ऐसा काम करता है जो दूसरे के अकाउंट में जाके उंगलीबाजी करता है। मुझे जो लोग मुझे बोलते हैं, जो देखते हैं, वो कहते हैं कि सर आप तो फोटो में बहुत कम दिखाई देते हो, पिक्चर्स में वीडियो में बहुत कम दिखाई देते हो, सामने तो आप रियल में हल्को। और कई लोग मेरे को जब मैं पोस्ट डालता हूँ तो उसमें कहते हैं एडिट फोटोशॉप। आप लौड़े के बाल सामने आके देख ले बैंक फोटोशॉप, तो बहुत ठीक है 100 किलो का पहलवान हो, एक तेरी गाड़ लात पड़ेगी तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरा ऐसा कोई वीडियो बनाने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन मेरे को इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं, कई बार मैं देखता हूँ, अब मैं उनको रिप्लाई नहीं देता हूँ। रिप्लाई देने का मतलब ये नहीं है, तो मेरे देखो ऐसा होता है, हाथी और डॉग दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो आई एम एलिफेंट, आई के नॉट साउट लाइक ए यू आर द ब्लडी डॉग। तो डॉग को मैं मुँह नहीं लगा सकता, बट सबको पता है हाथी क्या है, एक लात मारेगा तो डॉग का फुटबॉल बना देगा। बट यू जस्ट लुक लाइक ए डॉग, आपकी जो साउट होता है, जो आपका तरीका होता है, वो उससे पता लगता है कि आप किस ब्रीड के जो है कैटेगरी के जो है डॉगी हो। तो भाई कोई भी बात बोलने से पहले अपनी ब्रीड पहचान लेना पहले, क्योंकि ये मेरा डायलॉग रहेगा अभी, मिक्स ब्रीड एंड जॉबलेस। साहिल भाई का है जॉबलेस, मेरा डायलॉग रहेगा मिक्स ब्रीड। कोई भी अगर किसी को गाली देता है या कोई भी गलत कमेंट करता है किसी भी यूट्यूबर को, या कोई भी किसी फोटो में कोई गलत कमेंट करता है, उसको आपने बोलना है मिक्स ब्रीड। यानी कि उसको खुद नहीं पता उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है। माँ का तो शायद पता भी होगा, लेकिन बाप कौन 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 उसके बाप है उसको पता नहीं होगा। तो गाइस ये डायलॉग होगा भाई का आज के बाद, इंडियन अल्प बादल का। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है? आपको अगर कोई ऐसे कमेंट करता है या कोई ऐसी बातें बोलता है, आपने इस पर कमेंट करना है और बोलना है कि सर मुझे भी ऐसे कमेंट आते हैं, मुझे बतानी है अपनी बातें। खूब सारे कमेंट करो और इसको ढेर सारा शेयर करो, क्योंकि हर उस हरिराम नाई तक ये पहुंचनी चाहिए जो ऑफिस के अंदर, जो हर ऑफिस के अंदर, हर जिम के अंदर, हर जगह आप लोगों को परेशान करता है, उस तक ये वीडियो को पहुंचाओ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाने से पहले इसको अपने सब्सक्राइब
जरूर करना। इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दिया, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।